शर्मा को एक महान कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के कांटे के मुकाबले में जहां दोनों टीमें एक दूसरे को हराने के लिए अपनी जी जान लगा रही थी, तो वहीं पर मैच के दौरान स्टैंड में एक ऐसा चेहरा नजर आया जिसकी खूबसूरती में आकर केएल राहुल अपना विकेट गंवा बैठे। स्टैंड में बैठी खूबसूरत अप्सरा को देखकर कैमरामैन का भी जी ललचाया और वो बार बार उसे स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर लोगों को दिखाता रहा। तो आखिर कौन थी वो खूबसूरत हसीना जिसने मैदान के साथ साथ अपने घरों में बैठे हुए लोगों को भी अपना दीवाना बना लिया? उसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है बेहतर बल्लेबाज? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच कांटे की टक्कर अपने चरम पर चल रही थी जहां पर भारतीय गेंदबाज पाकिस्तान की बल्लेबाजों की नाक में दम कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजी के स्विंग कहे जाने वाले भुवनेश्वर कुमार ने जहां शुरुआत में पाकिस्तान के तीन बल्लेबाजों को आउट कर पाकिस्तान खेमे में तहलका मचा दिया, तो वहीं लंबे समय बाद मैदान में वापसी करने वाले हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने अपनी कहर बरपाती हुई गेंदों से पाकिस्तान के चार बड़े बल्लेबाजों को आउट कर पाकिस्तान के इस मैच में बड़े लक्ष्य को बनाने की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। इन दोनों की घातक गेंदबाजी को झेलते हुए पाकिस्तानी टीम बड़ी मुश्किल से 147 रन बना पाई। भारतीय पारी की शुरुआत भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने उप कप्तान केएल राहुल के साथ ही की, लेकिन राहुल ने एक बार फिर सभी को निराश किया और वो 19 साल के युवा गेंदबाज नसीम शाह को अपना विकेट दे बैठे। ये भारत की बल्लेबाजी को करारा झटका था, लेकिन मैदान पर किंग कोहली के आने से लोगों में जोश की भरमार देखने को मिल रही थी। कप्तान रोहित ने किंग कोहली के साथ भारतीय पारी को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां विराट कोहली पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर क्लास ले रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर रोहित शर्मा ने पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद नवाज को ऐसा छक्का चला जिसे देख मैदान में मौजूद उस मिस्ट्री गर्ल ने भारत का तिरंगा जोरों से लहराते हुए रोहित शर्मा को चीयर करना शुरू कर दिया। वो भारतीय टीम की बहुत बड़ी फैन थी और हर एक बाउंड्री के बाद वो हमारे देश की शान तिरंगे को हाथ में लहराकर सभी के दिलों पर राज कर रही थी। अंत में रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या की तूफानी पारियों ने भारत को इस ऐतिहासिक मुकाबले में जीत दिलाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया था। और इस पूरे मैच के दौरान उस लड़की ने हमारे देश का तिरंगा कुछ पलों के लिए भी नीचे नहीं किया और अपनी देशभक्ति और क्रिकेट प्रेम का एक साथ शानदार नजारा लोगों के सामने पेश किया। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि भारतीय अभिनेत्री और मिस यूनिवर्स उर्वशी रौतेला थी, जो हमेशा की तरह भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए मैदान पर पहुंची थी और एक बार फिर से उन्होंने साबित कर दिया है कि वो सच्ची देशभक्त है। उनकी खूबसूरत अदाएं और अपने देश और क्रिकेट के लिए अपार प्रेम को देखकर लोग उनके दीवाने हो रहे हैं और वो इंटरनेट पर एक बार फिर ट्रेंड होने लग गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस एशिया कप में क्या ऋषभ पंत शतक लगा पाएंगे या नहीं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।